हम मौजूद हैं आईटी कानपुर में। आईटी कानपुर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, एक ऐसा शोध करके दिखाया है जो अब तक अमेरिका भी नहीं कर पाया। सैनिक हमारे किसी भी उपकरण में ट्रेस नहीं हो पाएंगे, सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत बड़ी डिवाइस बनाई है, जिससे कि अब तक क्या होता था कि दुश्मन उनको रडार से, इंफ्रारेड कैमरे से ट्रेस कर लेते थे और हमारे सैनिक उनके शिकार बन जाते थे। लेकिन आईआईटी कानपुर ने एक शोध किया, इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर मौजूद हैं। सर, क्या शोध है, कैसे सेना की मदद करेगा? जैसे हम लोग ये कोशिश देखते हैं कि बैटल फील्ड में या बॉर्डर सिक्योरिटी में अनेक सेंसर्स होते हैं, उस सेंसर्स में दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक रडार सेंसर्स होते हैं, जिससे रडार का तरंगों से सोल्जर्स, टैंक्स, व्हीकल्स जो भी मूवमेंट कर रहे हैं उनका डिटेक्शन होता है, हो जाता है, और वो डिटेक्ट होकर के इंफ्रारेड कैमरास और भी वीडियो कैमरास वगैरह उसको स्कैन करने लगते हैं और उनको डिटेक्ट करने के लिए कोशिश हो जाती है। ये बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम्स अथवा कोई भी बैटल फील्ड सिस्टम्स में ये लागू रहता है। अभी हम लोगों का शोध से एक ऐसे सॉल्यूशंस निकले हैं जो मेटा मटेरियल बेस्ड हैं, और इससे रडार का तरंग जो हैं वो ये मेटा मटेरियल्स में अब्जॉर्ब हो जाता है, और ये मेटा मटेरियल्स को हम लोगों ने कपड़े की रूप में भी डेवलप किया है। और दूसरी हमने ये किया है कि कुछ मेटा मटेरियल्स ऐसे माइक्रोस्ट्रक्चर्ड मेटा मटेरियल्स डेवलप किए हैं जो इंफ्रारेड जो गर्म वस्तुओं से निकलते हैं उस इंफ्रारेड को एकदम कम कर देता है, बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं, और वो इंफ्रारेड मटेरियल्स पे इंफ्रारेड जो है डिटेक्टेबल इमेजिंग जो करते हैं वो डिटेक्टेबल नहीं, कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर हेलीकॉप्टर भी रडार की उसमें ट्रेसिंग में नहीं आएगा। ये एक पूरा टीम एफर्ट है, और इस टीम एफर्ट में हमारे साथ एक और मौजूद है जिन्होंने अहम किरदार निभाया है। हम इनसे जानेंगे कि जो एक मूवी आई थी जिसमें ये था कि अनिल कपूर जो है गायब हो जाता था, मिस्टर इंडिया कहते थे लोग, और वो फिर इंफ्रारेड यानी कि रेड लाइट से पकड़ा जाता था। अब सर, क्या ये सैनिक हमारे कैसे अदृश्य हो जाएंगे रडार के मामले में? दोस्तों, हम लोग जो है वो तो जो मूवी है वो तो ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी में, मतलब कि विजिबिलिटी उसमें चली जाती है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो हम लोग का जो टेक्नोलॉजी है वो रडार से है कि हम लोग रडार सिग्नल डाल करके उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो उस तरह के ऑब्जेक्ट में जैसे कि वो व्हीकल भी हो सकता है, वो टैंक भी हो सकता है, वो या वो आर्मी सोल्जर भी हो सकता है। हाँ, जैसे हम लोग ने ये कपड़ा बनाया हुआ है, ये तो एक कपड़ा है जिसमें आप देखेंगे कपड़ा जो है फ्लेक्सिबल भी है, जिससे कि ये आराम से जो है सोल्जर है या हम किसी टैंक के ऊपर अगर इसको रख करके उड़ाना है तो वो कर सकें। और हम लोग ने इसको जो है ये, मतलब ये तो नॉर्मल आपको कॉटन कपड़े में दिखेगा, हम लोग ने इसको जो है इस रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए आर्मी क्लॉथ पे भी जो है इसको प्रिंटिंग किया हुआ है। तो इस साइड में हम लोगों का ये मेटा मटेरियल क्लॉथ है, और ये इट इज़ लाइक द नॉर्मल आर्मी क्लॉथ है, और ये जो है आर्मी सोल्जर जो है उसको पहन सकते हैं। और हम लोग इसको और आगे एडवांस स्टडी भी कर रहे हैं कि मतलब जिससे कि इसका जो है और जो रिफ्लेक्शन है वो घटाया जा सके, जिससे कि रडार रेंज जो है और कम हो सके। जैसा कि आपने देखा कि आईआईटी कानपुर का शोध अपने आप में एक नया कीर्तिमान है, अमेरिका से दो कदम आगे चलकर इंडिया के आईआईटी कानपुर ने इतिहास रच दिया है। जो रिसर्च की है वो अभी तक किसी देश के पास नहीं है। आईआईटी कानपुर ने साबित कर दिया है कि हमारे भारत की जो मेधा और प्रतिभा है वो अन्य देशों से मीलों आगे है। किसी ने खूबी कहा है, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मैं रजनीश दीक्षित, ईटीवी न्यूज़ कानपुर।